हेलो एनिमल लवर्स, आज हम बिजर्क ऑफ ग्लटनी के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए एनिमे के डिटेल एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्दी पाने के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आप इस चैनल पे बहुत ही पहले से जुड़े हुए हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बनाता हूँ। आप सभी लोग अगर चाहे तो कमेंट में इमोजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वीडियो को एक लाइक करके जो वीडियो की रीच है वो बढ़ा दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो रॉक्सी है वो अपने कमांडर से बात कर रही होती है, लेकिन जिसका कमांडर उसे बता रहा होता है जो उनका मिनरल कलेक्टिंग स्क्वाड था वो गैलिया में खो चुका है, जहाँ पे जो ग्रेट कैनियन था वहाँ पे वो खो चुके हैं। ये बात सुनने के बाद जो लेडी रॉक्सी थी वो कह रही होती है तो हमें उनको ढूंढना चाहिए, लेकिन हम दूसरे ही सीन में देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को जो अपने न्यू दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है और जो उसका दोस्त है उसे बता रहा होता है जो उसके स्वाट के लिए जो कवर चाहिए उसके लिए उसे बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिलता, जो मिलता है गैलिया में, वो भी वहाँ पे जहाँ पे जो ग्रेट कैनियन है। तभी हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट इस बात सुनने के बाद वो कह रहा होता था मुझे उसे लाने जाना पड़ेगा। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी बात सुन के वहाँ से निकल जाता है गैलिया में ग्रेट कैनियन के पास। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे जाता है वो देख पाता है काफ़ी सारे मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उन मॉन्स्टर को अपने पावर की मदद से हरा देते हैं। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं जो लेडी रॉक्सी है वो भी ग्रेट कैनियन में आ चुकी होती है अपने टीममेट को ढूंढने के लिए, लेकिन हम देख पाते हैं वो लोग खो चुके हैं, उनका कंपास जो था वो काम नहीं कर रहा होता। लेकिन हम देख पाते हैं जो लेडी रॉक्सी का सर्वेंट था वो कह रहा होता है अब हम क्या करें, लेडी रॉक्सी समा हम तो खो चुके हैं, हमको ढूंढने के लिए कौन है, कोई भी नहीं, तो हमें यहाँ पे सर्वाइव करना होगा किसी तरीके से। दूसरे सीन में देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को जो रात के समय सो रहा होता है और अपने सपने में हमारे प्रोटैगनिस्ट देख पा रहा होता है काइमेरा के सोल को और बहुत सारे सोल को जिनको हमारे प्रोटैगनिस्ट ने मारा होता है। हम देख पाते हैं वो नाइटमेयर से उठ जाता है, वो देख पाता है जो उसके सामने काफ़ी सारे मॉन्स्टर है उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। हम देख पाते हैं काफ़ी सारे सेलामेंडर होते हैं। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने स्वॉट को बो में कन्वर्ट करने के बाद उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो मॉन्स्टर थे वो फिर भी हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो मॉन्स्टर थे वो कंट्रोल हो रहे होते हैं, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को छोड़ के जो मॉन्स्टर थे लेडी रॉक्सी के कैंप था वहाँ पे हमला कर देते हैं और लेडी रॉक्सी और उनके जितने भी टीममेट थे वो मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाते। तभी हम देख पाते हैं इस परेशानी में हमारा प्रोटैगनिस्ट लेडी रॉक्सी को बचाने के लिए आ जाता है और जितने भी मॉन्स्टर थे उनको मारने लगता है। तभी हम देख पाते हैं सारे मॉन्स्टर ख़त्म करने के बाद जब प्रोटैगनिस्ट लेडी रॉक्सी से मिलता है और कहता है तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम सभी लोग इन मॉन्स्टर से ऐसे ही लड़ रहे हो, तुम्हें कोई भी अकल नहीं है। तभी हम देख पाते हैं जो लेडी रॉक्सी है और उस जितने भी टीममेट हमारे प्रोटैगनिस्ट से शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को बता रहा होता है जो ये मार्क है इसकी वजह से जो मॉन्स्टर थे वो कंट्रोल हो रहे होते हैं, लगता है ये कोई एक मॉन्स्टर काम हो सकता है। तभी हम देख पाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट लेडी रॉक्सी से अलग हो जाते हैं और अपना शुक्रिया अदा करने के बाद तभी हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट निकल जाता है अकेले ही अपने मिनरल्स को ढूंढने के लिए। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है जरूर ये मॉन्स्टर कंट्रोल है, जरूर एरिस ने किया होगा जो सीन ऑफ लस्ट है। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट जंगल में एरिस को देख पाता है, लेकिन जो एरिस था वहाँ से चला जाता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट को पीछे करने लगता है, लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे ढूंढ नहीं पाता, लेकिन उसे मिल जाता है एक काइमेरा जिसका जो कोड है वो नहीं होता, जिसकी वजह से जो काइमेरा था वो एकदम बंद पड़ा हुआ था। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लो। तभी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे आवाज़ सुनाई देता है जो लेडी रॉक्सी समा है मुसीबत में है, लेकिन हम दूसरे सीन में देख पाते जो लेडी रॉक्सी है वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, जो मॉन्स्टर थे असल में काइमेरास होते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं जो लेडी रॉक्सी समा का जितने भी सबोनेट थे घायल हो चुके होते हैं, लेडी रॉक्सी समा ही लड़ रही होती है, लेकिन हम देख पाते हैं तभी जो मॉन्स्टर था वो हमारे लेडी रॉक्सी समा के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको बचाने के लिए आ जाता है और अपनी एरो की मदद से जितने भी मॉन्स्टर थे उन खत्म कर देता है। लेकिन हम देख पाते हैं एक मॉन्स्टर भी बच चुका होता है जो काइमेरा होता है, उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए जो लेडी रॉक्सी समा है हमारे प्रोटैगनिस्ट से तैयार हो जाते हैं अपना फाइनल अटैक करने के लिए। तभी हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट अपना फाइनल अटैक करता है और जिसकी वजह से जो काइमेरा था वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं जिस हमले की वजह से हमारा प्रोटैगनिस्ट और लेडी रॉक्सी समा एक गड्ढी खाई में गिर जाता है। तभी हम देख पाते हैं जैसे ही वो गिरते हैं मिट्टी के ऊपर हम देख पाते हैं जो लेडी रॉक्सी समा और प्रोटैगनिस्ट बेहोश हो चुके होते हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी आँखें खोलता है, वो देख पाता है जो लेडी रॉक्सी समा है वो बेहोश हो चुकी होती है।
तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट से अपना मास्क खो देता है और अपना मास्क ढूंढने लगता है, तभी जो लेडी डॉक्टर है उससे होश हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने हाथों से अपना चेहरे को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपना जो मास्क है वो मिल जाता है और उसे पहन लेता। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट और लेडी डॉक्टर बातें करने लगते हैं अपनी लाइफ के बारे में। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है और लेडी डॉक्टर है अपनी बातें ख़त्म करने के बाद वहाँ से चलने लगते हैं रास्ता ढूंढने के लिए। रास्ता ढूंढते ढूंढते हमारे प्रोटैगनिस्ट को जो अपना मटेरियल्स है वो मिल जाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता है आखिरकार मुझे मिल ही गया जो मुझे चाहिए। तभी हम देख पाते हैं दूसरे सीन में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट लेडी डॉक्टर है काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद जो गहरी खाई थी उससे निकल जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड है वहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों।